हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। हरखंडी ब्लॉगर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। और आज का दिन है बुधवार, तारीख है 18 सितंबर 2024। एक यूनिक वीडियो के साथ में आप सभी दोस्तों के बीच में आया हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों को आज मंडी में सब्जी का थोक क्या रेट था ये बताने वाले हैं। रिटेल दुकानदार जो बेचते हैं सब्जी, मैं उसे भी आप सभी दोस्तों को रूबरू कराने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों को बता दूं कि आज सब्जी का क्या रेट। तो आज मैं फूलगोभी से शुरुआत करता हूं। आज फूलगोभी मार्केट में बड़ा साइज का जो फूलगोभी था 32 रुपए 33 रुपए तक फूलगोभी गया है, बड़ा साइज का फूलगोभी। उसके बाद आते हैं तीखा मिर्च में, सबसे बेस्ट तीखा मिर्च 65 से लेकर 70 तक बिका है। सबसे बढ़िया वाला तीखा 65 से लेकर 70 तक बिका है, बाकी 40, 45, 50 ऐसा हर एक तरह का तीखा मिर्च बिका है मार्केट। बंद गोभी 22 रुपए 20 रुपए बंद गोभी बिका है दोस्तों। और टमाटर आज 1000 रुपए का करेट गया, 25 केजी का जो करेट है बेंगलुरु का टमाटर जो 1000 रुपए करेट गया है। सीम 60 रुपए 55-60 रुपए सीम बिका है। बीन आपका 40 से 45 का बीच में बीन बिका है। ऑल 36, 37, 35 जो जैसा जैसा बिकने सका है। और धनिया तो धनिया मार्केट में है नहीं दोस्तों, कोई 280 खरीदा है, कोई 260 खरीदा है, कोई 240 भी खरीद पाया है। लौकी 15 केजी का 250 से 300 रुपए पर 15 केजी का जो पन्नी आता है 250 से 300 रुपए गया है। 13 रुपए 14 रुपए लोकल खीरा का रेट आज गया है 13-14। सब्जी मंडी में सब्जी का जो भी रेट था मैंने आप सभी दोस्तों को बताया। मैं कुछ ही देर में उस जगह पे पहुंचूंगा जहाँ पे रिटेल सब्जी विक्रेता सब्जी बेचते हैं, जो चौक चौराहे में जो छोटा मोटा मार्केट में सब्जी को रिटेल बेचते हैं, मैं उनके पास जाकर के आज रिटेल सब्जी का क्या रेट है ये बताने वाले हैं। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल झारखंडी ब्लॉगर में दिल थाम करके बैठे रहे। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, आप जरूर पूरा वीडियो को देखें। तो चलिए मिलते हैं। तो इन्हीं जंगलों से होकर के गुजर रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं 4-5 किलोमीटर दूरी में एक छोटा सा रिटेल मार्केट लगा है, वहीं पे मैं जा रहा हूँ। और वहाँ का सब्जी क्या बिकता है, क्या रेट का बिकता है, ये सब बताने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। तो कितना सुंदर जंगल है और बीचों बीच रास्ता है, देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया नजारा है, बहुत खूबसूरत। ऐसे जगह में घूमने के लिए बहुत मजा आता है। इसी देर में मैं पहुंच जाऊंगा बुढ़मू रिटेल सब्जी मार्केट और वहां सब्जी का रेट क्या है मैं आप सभी दोस्तों को विस्तार तक बताऊंगा। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहें। और जितने सारे व्यू दोस्तों, जिससे मेरा रिक्वेस्ट है आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बढ़िया व्यू है दोस्तों। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी सपनों में जान होता है, और पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। जिसके पास हौसला है उड़ सकेगा, पंख होते हुए भी बहुत उड़ नहीं पाते हैं, तो हौसलों की बहुत जरूरत। मेरा हौसला आप अगर हमें हौसला देंगे तो निश्चित तौर से एक दिन उड़ान भरेंगे। जाते हैं मार्केट, पहले पहुंचते हैं, देखते हैं कि क्या रेट का बिक रहा है, यहाँ मार्केट है क्या, मार्केट का नज़ारा है, सब जानने का कोशिश करें। तो यही है बुढ़मू सब्जी मार्केट, बुढ़मू में जो खुदरा सब्जी मार्केट लगता है। मैं पहुंच चुका हूं और अब पूछने का कोशिश करूंगा विक्रेता से कि क्या रेट का बेच रहे हैं। भुट्टा कैसे बेच रहा है, भुट्टा कैसे बिक रहा है? हाँ चाची, अच्छा, तो कैसे बेच रहे हैं? 10 रुपए केजी बेच रहे हैं। और पूछने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या रेट का क्या बिक्री हो रहा है। यहाँ पे भिंडी देख सकते हैं, ये भिंडी है, भिंडी क्या बिक रहा है, क्या रेट का बिक रहा है? 30 रुपए बेच रहा है, 30 रुपए केजी बेच रहा है भिंडी, खुदरा में 30 रुपए केजी यहाँ पे भिंडी बिक रहा है। और ये क्या चीज़ है? हाँ दीदी, क्या बोलते हैं, गंवार सुट्टी। अच्छा, कैसा पौधा होता है इसका? भिंडी जैसा बढ़ता है, क्या रेट का बिक रहा है ये? कैसे 80 रुपए केजी बेच रहे हैं ना। चलिए, गंवार सुट्टी है ये, और इसका पेड़ जो होता है भिंडी जैसा होता है, पौधा होता है, और 80 रुपए पर केजी के हिसाब से यहाँ पे बिक रहा है ये। और ये खुदरा में ओल कैसे बेच रहे हैं? 50 रुपए बेच रहे हैं। ये चमेली टमाटर हम लोग इसको बोलते हैं, चमलिया बोलते हैं ना वो भाई साहब है, बेच रहे हैं चमला। अच्छा, लार वाला है, अच्छा बहुत महंगा है, कैसे बेच रहे हैं? 40 रुपए केजी बेच रहे हैं। ये देख सकते हैं लार वाला टमाटर है, और ये चमेली हम लोग इसको बोलते हैं, मतलब लंबा वाला को हम लोग चमेली ही बोलते हैं। इसका जो कीमत है 40 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं ना। और ये बरबटी को कैसे बेच रहे हैं? कितना का, आधा केजी का है, आधा केजी का है, 10 रुपये का मुठा है, 20 रुपए केजी बेच रहे हैं। चलिए, घर का है का, घर से ही अभी खरीदा हुआ है आपका, खरीदा हुआ है? अच्छा, घर का है, चलिए घर का है, ये 20 रुपए केजी इसको बेच रहे हैं, 10 रुपये मुठा करके। छोटा सा बाजार लगता है दोस्तों यहाँ पे, यहाँ पे खाने पीने के लिए यहाँ पे चाट मिलता है, देख सकते हैं, ये पानी पूरी है। ये भैया कैसे, कितना का पीस बेच रहे भैया? 10 का 6 10 का 6 पीस बेचना है।
हर जगह वही हो चुका है, 10 का 6 पीस 60 रुपए के जी। ये प्याज देख सकते हैं, बड़ा बड़ा प्याज है, यहाँ पे 60 रुपए के जी हमारे दीदी बेच रहे हैं। और यहाँ पे भिंडी भी ये चाची बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं भिंडी? 20 रुपए के जी। घर का भिंडी है कि घरे का है? अच्छा, घर का जो भी सब्जी लगता है उसको तोड़ के आप लोग ला करके यहाँ पे खुदरा में बैठ के बेचते हैं ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, अपना घर का सब्जी को उगा के बेचने में मजा भी आता है। और यहाँ पे लहसुन, थोड़ा सा लहसुन लिए हैं, बिक गया क्या? अच्छा, कैसे? 80 रुपए का, मतलब 8×4=32, 320 रुपए के जी। चलिए, बहुत रेट है लहसुन का, आप देख सकते हैं यहाँ पे लहसुन, ये भी घर का ही होगा हमको लगता है, घर का है। 80 रुपए पाव, मतलब 8×4=32, 320 रुपए के जी है इसको। ये हमारे चाची हैं जो बेच रहे हैं। और एक खुदरा विक्रेता, मैं पूछने का कोशिश करता हूँ कि आज सब्जी कैसे कैसे बेच रहे हैं। भिंडी यहाँ पे देख सकते हैं, ये बड़ा घर का भिंडी है कि खरीदा हुआ है? कैसे बेच रहे हैं, क्या रेट है इसका? 30 रुपए के जी बेच रहे हैं। खरीदा हुआ घर का है, घरे का है? अच्छा, घरे का ये लगाए हैं, घर में लगा करके लाते हैं। और 30 रुपए के जी के हिसाब से ये भिंडी बिक रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बंद गोभी है, ये बंद गोभी पत्ता छिला हुआ, पत्ता छिला वाला बंद गोभी कैसे बेच रहे हैं? 20 रुपया। और मिर्ची का जा रहा है? मिर्ची 20 रुपये पौवा, 80 रुपये के जी। अच्छा, 80 रुपये के जी यहाँ पे खुदरा में मिर्ची जा रहा है। मिर्ची घरे का है अभी खरीदा हुआ है? अच्छा, खरीदा हुआ है। चलिए, टोटी कैसे बेच रहे हैं? टोटी 40, मतलब थोड़ा थोड़ा सामान पे यहाँ पर लेकर के बैठते हैं, थोड़ा थोड़ा सामान को, और सबको बेचते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये राशन का सामान है, राशन का सामान भी यहाँ पे बिक जाता है, चीनी, दाल, धनिया। अच्छा, वहाँ पर भी राशन का सामान है, चीनी, दाल, धनिया जो भी है सब यहाँ पे बिकता है, महुआ बिकता है, महुआ से हमारे यहाँ देहाती दारू भी बनता है। और यहाँ पे भाई साहब आलू लेकर के बैठे हुए हैं। भैया, आलू कैसे बेच रहे हैं? 35 रुपये के जी। ये अल्टीमेटम आलू है ना? चलिए, ये आलू देख सकते हैं इसका क्वालिटी, 35 रुपये के जी। ये तो खरीदा हुआ होगा। और ये छोटा वाला कैसे बेच रहे हैं? 30 रुपये। भैया, करेला कैसे बेच रहे हैं? 40 रुपये 40 बेच रहे हैं। घर का करेला ये खरीदा हुआ किसान है? आप किसान है, ये प्रॉपर किसान है। खुदरा 40 रुपये के जी खुदरा में बेच रहे हैं। थोक में कैसे बिक जाता है? अगर थोक 40 रुपये बेच रहे हैं, 40 रुपये थोक में? अच्छा, थोक बेच रहे हैं यहाँ पे 40 रुपये। बुढ़मू बाजार, इसी बाजार के बारे में आप सभी दोस्तों को बताया था कि यहाँ पे खुदरा बाजार जो है उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। टमाटर कैसे बेच रहे हैं दीदी? 50 रुपये बेच रहे हैं। ये टमाटर लोकल है कि बेंगलुरु टमाटर है? बाहर वाला है, बेंगलुरु का टमाटर। यहाँ पे देख सकते हैं हरा बैगन है, हरा बैगन कैसे जा रहा? 40 रुपये। ये क्या है? कुंदरी है, देहाती कुंदरी। कैसे जा रहा है कुंदरी? वो भी 40। यहाँ पे भिंडी 30 बिक रहा है। और ये वाला कैसे बेच रहे हैं? और बैगन कैसे? 40। बढ़िया वाला बैगन ना? चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ऊंचा देख रहा है, ये घर का ऊंचा, ये खरीदा हुआ है? खरीदा है। तो क्या रेट का जा रहा है? खुदरा कैसे बेच रहे हैं? 40 लगाए हैं ना? चलिए। और ये मिर्ची 20 रुपये पाव, 80 रुपये के जी। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा मूली, ये मूली छोटा छोटा मूली है, इसको कैसे बेच रहे हैं? मूली कैसे बेच रहे हैं? 50 रुपये। छोटे छोटे किसान हैं और थोड़ा थोड़ा सामान लेकर के यहाँ पे आते हैं, अपने खुद से खुदरा बेच लेते हैं। सीम कैसे बेच रहे हैं दीदी? 20 रुपये पाव, मतलब 80 रुपये के जी खुदरा में बिक रहा है। थोक में क्या जा रहा है? 60 रुपये जा रहा है। चलिए, यहाँ पर भी देख सकते हैं, बीन कैसे बिक रहा? 50 रुपये। एक यूनिक चीज देखे हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं दिखा दूंगा आप सभी दोस्तों को। ये इसको हम लोग सनई का साग बोलते हैं ना, सनई ने टुम्पा कोयनार, सनई ने कोयनार, कोयनार फूल है। अच्छा, कोयनार का फूल है। चलिए, तो अभी कोयनार का फूल होता है? अभी होता है, ये कोयनार का फूल है दोस्तों। और क्या रेट का बिक जाता है ये? 80 रुपये किलो कोयनार का फूल, 80 रुपये के जी जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, इस टाइप का छोटे छोटे बिक जाता था, अपने अपने सब्जी को लेकर के बैठते हैं और बेचते हैं बड़े आराम। भैया जी हैं, टमाटर बेच रहे हैं। भैया, टमाटर कैसे जा रहा है आज? 50 रुपये किलो। ये बेंगलुरु टमाटर है, ये बेंगलोर का टमाटर है, देख सकते हैं। और 50 रुपये के जी के हिसाब से ये बेच रहे हैं। यहाँ पे इधर भी टमाटर बिक जाता है, 50 रुपये हर जगह जा रहा है। और ये भिंडी देख सकते हैं, भिंडी कैसे बेच रहे हो? 20 रुपये भिंड। और पत्ता गोभी 30 का पत्ता गोभी जा रहा है, ये खुदरा में जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। और मैंने आप सभी दोस्तों को बताया था कि आज खुदरा मार्केट जाएंगे, डेली का थोक मार्केट का वीडियो बनाते हैं, लेकिन आज खुदरा मार्केट का वीडियो बना करके आप सभी दोस्तों के बीच में
रखेंगे। फूलगोभी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आज फूलगोभी कैसे जा रहा है, कैसे फूलगोभी बेच रहे दीदी? 40 रुपये। ये फूलगोभी देख सकते हैं, घर का है क्या? घर का नहीं है। ना ना ना, ठीक है, लेकिन घर का ही होता है सब, लेकिन खरीदल होता है या फिर कुछ लोग होते हैं जो अपने से लाते हैं, तो ये घर का है और 40 रुपये के जी के हिसाब से यहाँ पे बेच रहे हैं। ये क्या चीज़ है? साखिन है, बहुत बड़ा बड़ा साखिन है। कैसे बेच रहे हैं? 40 रुपये के जी। ये देख सकते हैं, ये डंटा जैसा है पूरा, और ये साखिन है और 40 रुपये ये बाजार में बिक रहा है खुदरा में। से छोटा छोटा विक्रेता यहाँ पे बैठते हैं और अपने अपने सब्जी को, अपने अपने जो भी सामान होता है घर में उपजता है, घर में जो लगाते हैं, और कुछ खरीदारी करके भी यहाँ पे लाते हैं और बेचते हैं। केला कैसे बेच रहे हैं? कैसे बिक रहा है केला? 40 रुपये बिक रहा है ये केला। ये सब्जी खाने वाला केला है और 40 रुपये पर के जी के हिसाब से यहाँ पे जा रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे सारे लोग अपने अपने सब्जी लेकर बैठे हैं। और ये फूलगोभी है, और फूलगोभी छोटा वाला फूलगोभी कैसे बेच रहे हैं? ये भी 40 रुपये का है। चलिए, ये फूलगोभी देख सकते हैं, छोटा छोटा फूलगोभी, लेकिन 40 रुपये पर के जी के हिसाब से खुदरा जा रहा है यहाँ पे। देख सकते हैं हमारे अंकल जी, धनिया का छोटा छोटा ये लगाया है, मुट्ठी लगाया है। ये कितना का धनिया है? 10 रुपया का है। ये देख सकते हैं, थोड़ा सा धनिया है और 10 रुपया के हिसाब से इसको बेच रहे हैं। यहाँ पे फूलगोभी देख रहे हैं, फूलगोभी कैसे बेच रहे हैं? चाचा खराब बेच रहा है 30 रुपये, खराब को, और बढ़िया को 40, बढ़िया को 55 बेच रहे हैं, बढ़िया और ख़राब को 30 बेच रहे हैं। चलिए, ये ओल देख सकते हैं। अच्छा, ये मद्रासी ओल है, मद्रासी ओल है। हम तो मद्रासी ओल को कैसे बेच रहे हैं? 50 रुपये। और टमाटर आज कैसे जा रहा है? 1000 रुपये क्रेट वहाँ बिक रहा था टमाटर। ये मार्केट में कितना दूर दूर से लोग आता है? मतलब ये आसपास जितना सारे गांव, जितना जंगल, जितना आसपास, मतलब पूरा जंगल, पूरा चारों तरफ जंगल है और जंगल के बीच में बहुत सारे गांव पड़ता है और बहुत सारे घर है, तो सारे लोग यहां से, मतलब आज के दिन में सबको आश्रम रहता है ना, क्या बाजार लग रहा है यहां पे सारा दिन का ये करना है। अच्छा, ये मेन ब्लॉक भी है। चलिए, तो देख सकते, तो इस प्रकार से यहाँ पे बिक्री होता है। थोड़ा थोड़ा सब्जी को लेकर के बैठते हैं यहाँ पे किसान और खुदरा विक्रेता भी, और अपने अपने सब्जी को बेचते हैं। अच्छा, ये देख रहा है मिर्ची, थोड़ा सा ये मिर्ची कितने का है? 10 रुपये का मिर्ची है। देख सकते, मिर्ची काफ़ी महंगा है दोस्तों, और आप देख सकते हैं इसमें गिनती हो सकता है 10 रुपये का मिर्ची। और ये उछा है, डिसकलर हो गया उछा, कैसे बेच रहे हैं? 20 रुपये पौवा, 80 रुपये के जी बेच रहे हैं। मतलब इसका इतना रेट होने का रीजन? टेस्ट अलग है खाने। अच्छा, इसका टेस्ट अलग है और खाने में तीता नहीं लगता, तीता नहीं लगता है, करेली जैसा नहीं है। अच्छा, अच्छा, इसका कुछ अलग नाम है क्या? उछुआ करेली बोलते हैं। अच्छा, उछुआ करेली इसको बोलते हैं। और ये 80 रुपये के जी हमारे चाचा इसको बेच रहे हैं यहाँ पे इस बाजार में। इस प्रकार से मार्केट है। मशरूम है, ये देहाती मशरूम है, ये की वास्टर मशरूम है, वास्टर मशरूम, हाँ, जो कि घर में मैंने पैदा किया जाता है। अच्छा, घर में पैदा किया, तो इसको आप पैदा किए हैं? हाँ, बीजा डाल के। अच्छा, आप पैदा किए हैं? हाँ। चलिए, ये मशरूम देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत अलग टाइप का है। तो क्या रेट का बिक रहा है ये? मैंने 400 रुपये के जी। 400 रुपये के जी, बहुत हाई है ना, 400 तो बिकता है इतना महंगा यहाँ पे? बिक जाता है। चलिए, 400 रुपये के जी ये मशरूम बिक रहा है यहाँ पे, घर में पैदा किया हुआ मशरूम है। मतलब ऑटोमेटिक जो जंगल झाड़ में होता है वो मशरूम नहीं है, वो वाला जंगल झाड़ वाला कैसे बिक जाता है? वो वाला भी वही भाव है, वही भाव है, 400 रुपये। ये है इतकना, हम लोग बोलते हैं साखिन, साखिन है ना, है साखिन नहीं। अच्छा, शायद दोनों अलग अलग चीज़ होता है ना, होता है। 40 रुपये यहाँ पे बिक रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं नेनुआ, नेनुआ कैसे बेच रहे भैया? 30 रुपये किलो बेच रहे हैं। इस टाइप से छोटा छोटा जो है सब कोई अपने अपने सब्जी के लिए यहाँ पे बेचते हैं। शायद करना है, कैसे बेच रहा है? 50 रुपये के जी बेच रहे हैं। खुदरा आलू कैसे बेच रहे हो? 30 रुपये बेच रहे हैं। ये कौन सा आलू है? वाइट है, लाल आलू है? ये कहाँ का आलू होता है? पता नहीं है। चलिए, गोल वाला लाल आलू है, यहाँ पे देख सकते हैं 30 रुपये के जी यहाँ पे भाई जी बेच रहे हैं। प्याज कैसे बेच रहे भैया? 50 का जा रहा प्याज। और ये अल्टीमेटम है, कैसे बेच रहे हैं इसको? 35 रुपये बेच रहे हैं। यहाँ पे लोकल टमाटर देख सकते हैं, लोकल टमाटर समझ में आ जाता है देखने के बाद में, ये फूंदी लगा हुआ है, ये लोकल टमाटर बहुत बढ़िया है।
और कैसे बेच रहे लोकल टमाटर? 50 रुपये। तो जैसा कि मैंने आप सभी दोस्तों को बताया था कि आज खुदरा मार्केट में सब्जी का क्या रेट है, मैं ये बताने वाले हैं। इस मार्केट का नाम है बुढ़मू। बुढ़मू जगह है, वहाँ पे ये मार्केट लगता है, इसीलिए इसको इसका नाम भी पड़ा है बुढ़मू मार्केट। लौकी कैसे बेच रहे हो? 40 रुपये बेच रहे हैं। ये लौकी देख सकते हैं, ये 40 रुपये लौकी बिक रहा है। ये भी बाहर का लौकी है? नहीं, लोकल है। लोकल है, लोकल है। अच्छा, मतलब हाँ हाँ, बाहर का लौकी भी ऐसा ही रहता है, इसी वजह से हम बोले कि बाहर का लौकी है। चलिए, 40 रुपये लौकी बेच रहे हैं। और ये सीम, सीम कैसे बेच रहे हैं? सीम 100 रुपये किलो। 100 रुपये केजी बेच रहे हैं। और उछुआ? उछुआ 60 रुपये। 60 रुपये। और कुछ लोगों से बात करने का कोशिश करते हैं कि आज यहाँ पे सब्जी क्या रेट बिक रहा है, कहाँ से आता है सब्जी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आंटी जी हैं, इनसे पूछते हैं कैसे बेच रहे हैं उछा। ये लोकल उछा है? अच्छा, 10 रुपये पाव, मतलब 40 रुपये केजी। यार ये टोटी 30 रुपये केजी टोटी बेच रहे हैं। लौकी 30 रुपये बेच रहे हैं। ये लौकी देख सकते हैं, यहीं से मतलब यहीं खरीदारी करते हैं आप लोग, या फिर कहीं बड़ा वाला बाजार से खरीद के लाते हैं? मतलब यही आसपास में खरीद के ला करके यहाँ बेच सकते हैं, यही बाजार में खरीदते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, बारिश हो गया तो थोड़ा महंगा हो गया ना। चलिए, तो यहीं पे लोकल आप लोग लेते हैं, यहीं पे मतलब फर्स्ट टाइम में लोकल लोग ला करके यहीं पे आप लोग को देते हैं ना। अच्छा, किसान ला ला करके देते हैं, आप लोग यहीं पे बेचते बैठ करके। हाँ हाँ, महंगा सस्ता तो भाई लगा रहता है, क्या करिएगा। तो ये भुट्टा जो है, भुट्टा को कैसे बेच रहे हैं आज? 10 रुपये केजी जा रहा है। ये भुट्टा देख सकते, 10 रुपये केजी, मतलब खुदरा में 10 रुपये जा रहा है। थोक में कैसे बिकता है ये? 8 रुपये, मतलब 1-2 रुपये का मार्जिन आप लोग बेचते हैं, ज़्यादा कमाई नहीं होता है। कितना का बिक जाता है लगभग? बाजार जैसा रहता है, उसका बिकता है, कोई गारंटी नहीं कि हम 2 रुपये बेचते हैं कि 5 रुपये बेचते हैं। अच्छा, चलिए, ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है यहाँ पे दोस्तों, जैसे आंटी जी बता रहे थे यहाँ पे, देख सकते हैं। तो इस टाइप से मार्केट था दोस्तों, जितना यहाँ पे किसान है, बहुत सारे किसान अपने सब्जी को खुद से ला करके बेचते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसानों से खरीद करके सब्जी को बेचते हैं। तो कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की है, सारे चीज़ों को लोगों ने बढ़िया तरीके से बताया है। मुर्गा मछली से लेकर के यहाँ पे कपड़ा और खाने पीने का जितना सारा सामान है, सारा चीज़ यहाँ पे मिलता है बाजार में। यहाँ 10-12 किलोमीटर तक का जितने सारे लोग हैं, मैंने पूरे जंगल से भरा हुआ जगह है ये, चारों तरफ जंगल है और बीच में ये बाज़ार है। और यहाँ पे जितने सारे जंगल के अंदर में गांव घर है, सब कोई आकर के सब्जी खरीदते हैं यहाँ पे। 2-4 दिन का अपना जो भी कोटा होता है, सबको फूल कर लेते हैं लोग। तो जितने सारे सब्जी था, सभी सब्जियों का रेट के बारे में मैंने पूछा विक्रेताओं से, और सबने बढ़िया तरीका से बताएं कि क्या रेट का बिक्री कर रहे हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे छोटा सा मार्केट है, लेकिन खाने पीने पहनने से लेकर के जो भी कपड़ा उपड़ा चप्पल है आपका, और खाने पीने का होटल यहाँ पे है, और सब्जी है, मतलब सारा चीज़ यहाँ पे बिकता है छोटा सा मार्केट में। सप्ताह में 2 दिन लगता है, ये सप्ताह में 2 दिन में यहाँ आसपास के जितने सारे आसपास के गांव के लोग हैं, सबको यहाँ से अपना सप्ताह भर का जो भी सामान होता है खरीद के यही बाजार से ले जाते हैं। बाकी जो भी सब्जी का रेट था, मैंने कुछ लोगों से बात किए और बढ़िया तरीका सब्जी का रेट यहाँ पता करके आप सभी दोस्तों को अपडेट किया। बाकी आज का वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कॉमेंट करिए, और जितने सारे न्यू दोस्त हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट में।